आज है 10 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है किट्टू वल्लम। किट्टू वल्लम हाउस बोट्स होते हैं केरला में। उसके बाद नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये केवाड़िया में हुआ, केवाड़िया गुजरात में। उसके बाद कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग गुवाहाटी में हुई और ये इंडिया में पहली बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसरो का जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसको टास्क मिला है कि जो क्रायोजेनिक इंजन ये सलवे मार्क टू रॉकेट के अपर स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर करेगा। उसके बाद एक्सियोम मिशन के द्वारा ही जो वो अभी क्रू ISS पहुंचाया गया, ठीक है। फिर है W बोसॉन और Z बोसॉन। ये वेक्टर बोसॉन है, बहुत वीक होते हैं, मतलब जो बहुत वीक इंटरेक्शन होती हैं उनके बीच में मेडिएट करते हैं, ठीक है। W बोसॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल वो होते हैं जो फंडामेंटल फोर्स कहलाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फोर्स में मदद करते हैं और ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ही एक्सिस्ट करते हैं, उसके बाद ही पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सार्थक, सार्थक का मतलब है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ठीक है, NEP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। फिर है आयुष्मान भारत स्कीम। इसके अंदर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी सितंबर 2018 में, ठीक है। इस योजना के तहत जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विस होती हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन की उसको कवर किया जाए, उसके लिए एक मेडिकल कवरेज दी गई थी 5 लाख की हर फैमिली हर साल के लिए, ठीक है। और इसमें लगभग 40% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो कवर हुई थी। उसके बाद मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप, ये बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। बेसिकली ये वो बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप, ये भी बांग्लादेशी यूथ्स के लिए है इंडिया में। उसके बाद विशेष हुईरेम, ये एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस हैं जिनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला मणिपुर स्टेट फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।